नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। सेना के अंदर 4 सालों के लिए अग्निवीरों की भर्ती का विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा। अगर हरियाणा की बात करूँ तो हर एक जगह आगजनी फैलती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर के 3 बड़ी चीजें जो है अग्निपथ के अंदर सामने आई है। सबसे पहली बात तो ये है कि आज भारत बंद का आह्वान किया गया था और इसी को लेकर के काफी सारे हाईवे जाम किए गए और पुलिस जो है बेहद ज्यादा सतर्क हो गई थी। और आपको बता देते अगर कल की ही बात की जाए तो कल जो है जींद करनाल के बीच के अंदर पड़ने वाला कंडेला हाईवे तक जाम कर दिया गया था और बच्चे जो है बेहद ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि तस्वीरें जो है दिल्ली बॉर्डर से सामने निकल करके आ रही है जहां पर बैरिकेड्स लगा करके पुलिस दिल्ली के अंदर जो है छात्रों को नहीं जाने दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अब 3 बातें कौन सी सामने आ रही है उसके बारे में बात करते हैं। आपको बताते हैं कि आज हिसार के अंदर क्या हुआ। आज हिसार के अंदर रामायण टोल जो हिसार और हासी के बीच के अंदर पड़ता है वहां पर 2-3 घंटे के लिए टोल फ्री करा दिए गए और काफी ज्यादा जाम की स्थिति वहां बन गई थी। हालांकि खबरें जो है लांधड़ी टोल से भी आई कि लांधड़ी टोल के अंदर भी जो है टोल फ्री करा दिए गए थे, लेकिन इसकी कंफर्म रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं है। तो वहीं अगर दूसरी खबर की बात की जाए तो आपको बता देते हैं हमारी 3 सेना जो है नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इन तीनों के प्रमुख ने जो है जो राजनाथ मंत्री है उनसे बात की गई है। लेकिन आपको ये बता देते हैं कि उनसे बात करने के बाद ये बातें सामने आ रही हैं कि अब जो है अग्निवीरों की ये 4 साल की भर्ती जो है आगे लाई जाएगी, अब इसको जो है रोका नहीं जाएगा। और इसी को लेकर के ये खबरें जैसे ही बाहर निकली वैसे ही आपको बता देते हैं माहौल जो है बेहद ज़्यादा गर्म हो गया। और गर्म होने के बाद जो है तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात तो हुई, लेकिन ये तय किया गया कि आगे के कार्यक्रम जो है सशस्त्र बलों में इसी से भर्ती के सरकार के इरादे जाहिर भी हो चुके हैं, यानी कि इसी तरीके से भर्ती होगी। और सरकार ने साफ तौर के ऊपर कह दिया है कि किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया जाएगा, यही 4 साल की भर्तियाँ ही जो है अपनाई जाएंगी और पंजीकरण जो है 24 जून से शुरू हो जाएगा। पहला चरण 24 जुलाई से दिसंबर तक चलेगा जिसके अंदर पहले बैच का नामांकन किया जाएगा। तो वहीं जो है अगर बात की जाए पहले बैच का प्रशिक्षण जो है वो 21 नवंबर तक शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 40,000 अग्निवीरों की भर्ती के लिए देश भर में 85 रैलियां की जाएंगी और 25,000 अग्निवीरों के पहले बैच का प्रशिक्षण जो है दिसंबर के पहले और दूसरे हफ्ते के अंदर कर दिया जाएगा। इसी के अंदर एक और बड़ी बात सरकार ने साफ कर दी है कि अगर किसी भी अग्निवीर का नाम जो है प्रदर्शन के अंदर आता है, किसी के ऊपर केस दर्ज होता है, तो पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर उसको भर्ती होने के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन होगी अगर इसके अंदर किसी के ऊपर भी केस दर्ज हुआ है या फिर किसी का नाम भी इस आगजनी के मामले में या फिर प्रदर्शन के मामले में आता है तो उसको सेना के अंदर भर्ती नहीं किया जाएगा। काफ़ी सारी बातें जो है इस वक्त निकल कर के आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी और भी बातें हैं आज क्या कुछ हुआ है वो बता देती हूँ। भारत बंद के चलते आज रोहतक स्टेशन पर आने वाली रद्द जो है 5 ट्रेनें कर दी गई हैं। अग्निपथ योजना के विरोध के अंदर प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने पहले ही भारत बंद करने का ऐलान कर दिया गया था और इसी के साथ साथ जो है युवा देश भर के कई हिस्सों के अंदर आक्रोशित नजर आए। और इसीलिए आपको बताते हैं कि आज कौन सी ट्रेनें जो है डाइवर्ट की गई, रूट जो है बंद कर दिए गए। सबसे पहले तो रोहतक स्टेशन पर आने वाली 5 ट्रेनें रद्द कर दी गई। ट्रेन नंबर 04462 जो रोहतक दिल्ली डेमू की है, 04454 जो रोहतक नई दिल्ली की है, 04090 हिसार दिल्ली, 04432 जाखल दिल्ली, 04424 जींद दिल्ली ट्रेन जो है वो रद्द कर दी गई। हालांकि रोडवेज जीएम दलबीर सिंह ने यह भी बताया है कि भारत बंद के कारण बसों का संचालन भी जो है कई जगह बंद किया गया और कई जगह जो है मार्केट बंद किए गए। तो वहीं अगर कई जगह की बात की जाए तो कई जगह जो है स्कूल बंद करने का भी ऐलान कर दिया गया था। जिन रूटों पर जाम लगने या किसी अन्य गतिविधि की सूचना थी वहां पर यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर जो है बसों का रूट भी डाइवर्ट किया गया और उन्हें चलाया भी नहीं गया। हालांकि बड़ी खबर जो है इस वक्त निकल करके आ रही है अग्निपथ योजना जो है
तीनों सेनाओं में सभी भर्ती इसी से होंगे। ये सेना प्रमुख के साथ मीटिंग के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बात उजागर कर दिया। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि जो ये प्रदर्शन उग्र होते जा रहे हैं, पहले जो है किसान आंदोलन काफी समय तक दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर चला, तो वैसे ही इस आंदोलन को जवान आंदोलन का नाम दिया जा रहा है और ये युवाओं की काफी ज्यादा बड़ी भीड़ जो है दिल्ली के अंदर अब प्रवेश कर चुकी है और नहीं लग रहा किसी भी कीमत के ऊपर कि ये आंदोलन अब रुकने वाला है। खैर, ये आंदोलन क्या बड़ा रूप ले लेगा वो अब देखने वाली बात है, क्योंकि तस्वीरों के अंदर भी हम आपको दिखाते रहेंगे कि तस्वीरों के अंदर दिल्ली के अंदर क्या कुछ जो है घटनाएं इस वक्त चलती हुई नजर आ रही है। खैर, आपके शहर के अंदर कहां कहां जो है आज अग्निपथ के विरोध के अंदर बच्चों ने रोड जाम कर दिया, हाईवे जाम कर दिया, उसकी तस्वीरें अगर आपके पास है तो हमारे साथ जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कीजिए। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार।